नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये पौधा जो है ये मसूर का पौधा है। ये इसका पुष्प है और ये इसकी पतली पतली पत्ती है। मसूर की दाल आपने देखी होगी, लाल रंग की होती है और गर्म प्रकृति की दाल मानी जाती है। शीत प्रकृति के लोगों के लिए बड़ा अच्छा दाल मानी जाती है। जिनके जोड़ों में दर्द हो उनको मसूर की दाल खाना चाहिए। जिनको थोड़े से में सर्दी होती हो, छींक आ जाती हो, नाक बहती रहती हो, जो शीत प्रकृति के लोग हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो मसूर की दाल बड़े काम की चीज़ है। उसको खाने से उनके जोड़ों का दर्द, वात रोग वालों को भी मसूर की दाल का प्रयोग करना चाहिए। मसूर की दाल आपको लाल रंग की मिलेगी। उष्ण प्रकृति की दाल मसूर की मानी जाती है। मित्रों, मसूर असल में क्या है, कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ प्राकृतिक तौर पर अपने आप से लाल मिट्टी में उत्पन्न होती है। जो लाल मिट्टी में प्राकृतिक तौर में मसूर जो उत्पन्न होती थी उसमें हिंगुल तत्व प्राकृतिक तौर पर पाया जाता था। आजकल खेती होने लग गई है मसूर की, उसमें वो दिव्यगुण नहीं होते, परंतु जो प्राकृतिक तौर पर मसूर हरियाणा कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है, कुरुक्षेत्र में लाल मिट्टी है, वहाँ पर ये आपको कहीं कहीं तालाबों के किनारे खूब मिलेगी। वो मसूर में जो फल आ जाए उसको अगर हम एक चने की मात्रा में, ज़्यादा नहीं खाना उसको, चने की मात्रा में खाएं तो काम शक्तिवर्धक है। वो अतिशय दिव्य चीज़ है वो प्राकृतिक मसूर, पर आजकल वो मिलना ज़रा मुश्किल हो गया। तो हम यही मसूर भी खा सकते हैं, परंतु इसमें यूरिया आदि का प्रयोग करते हैं ये, इसलिए ये उतने काम की चीज़ होती नहीं। परंतु मसूर का पौधा ऐसा ही होता है, वहाँ पर भी ये थोड़ा बड़ा है, वो छोटा होता है और उसमें प्राकृतिक तौर पर मसूर जो है वो बहुत ही दिव्य चीज़ मानी जाती है। मसूर अगर हम ये पौधा भी ले लें और इसकी अच्छी एक लुगदी बना लें एक किलो की, और उसके अंदर 10 ग्राम हिंगुल रख दें, बढ़िया हिंगुल, शुद्ध हिंगुल हो, हिंगुल का शोधन करें पहले आप, और इसको टिकिया बना के इसके अंदर रख के और चारों तरफ से 3 कपड़ मिट्टी कर दें, क्योंकि हिंगुल उड़ जाती है। और फिर पहले 1 कंडे 1.5-2 कंडे की आग जलाएं, उसमें इसको पकाएं ताकि फटे नहीं, अच्छी तरह से वो सूख जाए, नहीं तो अगर तिड़क गई तो फिर सब हिंगुल उड़ जाएगी। तिड़कना नहीं चाहिए, अच्छी तरह से वो सूख जाए। अच्छी कपड़ मिट्टी 3 करिए, ऐसी मिट्टी से करिए जो फटती ना हो। पहले 1-2 कंडे की आग, फिर उसमें लगभग 4-5 किलो की आग लगा दें, और फिर जब स्वयं शीतल, अपने आप शीतल हो जाए तो उसको खोल लें। उसके अंदर जो हिंगुल मिलती है ना मित्रों, वो बड़े काम शक्तिवर्धक होती है, बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है हिंगुल, वो बशर्ते उड़े ना। हिंगुल लाल गंधक और पारद का मिश्रण होती है, थोड़ी सी मात्रा में उसमें 1-2 चीज़ें और भी होती है, परंतु मुख्य रूप से 2 ही होती है। तो वो पारा और लाल गंधक मिल जावे तो फिर दिव्य चीज़ बन जाती है उसमें, क्योंकि जब इसमें पकाया जाता है इसके रस में तो वो दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती है, हिंगुल लाल और पारा दोनों मिल के दिव्य चीज़ बन जाती है, फिर वो शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाती है। ऐसे खाएंगे आप तो फिर वो नुकसानदायक हो जाती, क्योंकि पारा उसमें कच्चा रहता है, परंतु अगर इसके लुगदी में पका लिया जाए, या तो फिर आप हिंगुल को इसके रस में, इसका अच्छा पत्ती का रस निकाल के हिंगुल को घोटिए, लगभग 10 ग्राम में आपको 1-1.5 लीटर रस पिला दीजिए, और उसकी लुगदी बना लीजिए, एक टिकिया बना लें, और इस टिकिया को मिट्टी के अंदर कपड़ मिट्टी करके 3 कपड़ मिट्टी करिए, फटे ना, और फिर उसको 2-3 किलो की आग दे दें, तो उसके अंदर से जो टिकिया निकलेगी वो पकी हुई हिंगुल होती है, वो काम शक्तिवर्धक होती है, रक्त को शुद्ध करेगी, रक्त को पतला करेगी और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करेगी, इस तरह से वो काम करती है। तो ये मसूर जो है, प्राकृतिक मसूर मिले तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो फिर इस समय खेतों में ठंड के समय मसूर बो देते हैं, इसकी पत्ती के रस से भी
काम चल जाता। अगर एक बार में ना हो तो दो बार दो पुट दे दें तो बढ़िया हिंगुल वृक्ष बनाने में मसूर काम की आती है। और अगर प्राकृतिक मसूर आप कभी जाएं कुरुक्षेत्र में वहाँ देखें तो ये ठंड के दिनों में अपने आप खूब उगती है। इस तरह से झाड़ी नुमा छोटी छोटी पत्ती होती है इसकी, पतली बारीक। वो प्राकृतिक मसूर जो है उसमें प्राकृतिक हिंगुल होती है, लाल मिट्टी में ही होगी वो, क्योंकि लाल मिट्टी के अंदर हिंगुल होती है, वो उसको खींच लेती है अपने जड़ों के माध्यम से और वो प्राकृतिक हिंगुल बन जाती है। आपने देखा होगा जहाँ लाल मिट्टी होगी वहाँ की मिट्टी में चमक होगी, अभ्रक पड़ा होगा, अभ्रक पारा ये सब मिला रहता है वहाँ, ये होती है। पुराने समय में काफ़ी मात्रा में मिलती थी ये, अब आजकल तो दर्शन हिंगुल ही मिलना बंद हो गई है। अगर मिल जावे शुद्ध हिंगुल तो इसका ये प्रयोग करें मित्रों, ये बड़े ही दिव्य औषधियों में इसकी गणना है, पर हम भूलते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, हम रासायनिक क्रियाएं भी भूलते जा रहे हैं और आयुर्वेद को भी भूलते चले जा रहे हैं, पूरा एलोपैथ पे आते जा रहे हैं। उसके फिर साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कच्ची भाजी भी इसकी काफ़ी खाई जाती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है ये, और इसके मसूर की दाल खाने से रक्त की चाल को और जोड़ों के दर्द को, वात रोग को, सबको नष्ट करती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800, और मेरे जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो छोटा पी और टी लिख के आप अखिल शुक्ल लिखेंगे तो मेरे 2000-1000 वीडियो आपको दिख जाएंगे। उनको देखिए, औषधियों को पहचानिए, उपयोग करिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।